आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सॉल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। हेलो एवरीवन, यहां पे क्वेश्चन है, इन विच फॉलोइंग सेट ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स आर रिड्यूसिंग शुगर। ऑप्शन वन है ग्लूकोज, फ्रुक्टोज, सुक्रोज। ऑप्शन टू है माल्टोज, लैक्टोज, सुक्रोज। ऑप्शन थ्री है सेलुलोज, सुक्रोज, स्टार्च। एंड ऑप्शन फोर है माल्टोज, लैक्टोज एंड सुक्रोज। तो यहाँ पे हमारे पास स्ट्रक्चर है, दिस इज ग्लूकोज, ग्लूकोज एंड दिस इज फ्रुक्टोज, दिस इज सुक्रोज, दिस इज लैक्टोज एंड दिस इज माल्टोज। तो रिड्यूसिंग शुगर्स कौन से होते हैं? वो शुगर जो टोलेंस फ्री एजेंट एंड फेलिंग सोल्यूशन, ये दोनों को रिड्यूस कर सकता है। यानी कि टोलेंस फ्री एजेंट को ये रिड्यूस करके सिल्वर मिरर फॉर्म कर सकता है, ओके। एंड जो फेलिंग सोल्यूशन है इसको ये रिड्यूस करके Cu2O, इसका रेड कलर प्रेसिपिटेट जो है ये फॉर्म कर सकता है। वैसे शुगर्स को हम रिड्यूसिंग शुगर कहते हैं। तो इसका जो मेन जो हमें क्राइटेरिया चाहिए, दैट इज एक्चुअली फ्री CHO, ओके। ये फ्री CHO ग्रुप, एल्डिहाइड ग्रुप होना बहुत जरूरी है, या तो फ्री CHO ग्रुप, या तो जो हेमी एसिटल टाइप ऑफ लिंकेज होता है, ओके। हेमी एसिटल टाइप ऑफ लिंकेज, यानी कि अगर हम देखेंगे जो OHCOR, ऐसे जो लिंकेज होता है इसको हम कहते हैं हेमी एसिटल टाइप ऑफ लिंकेज। तो ये हेमी एसिटल टाइप ऑफ लिंकेज भी होगा तो भी क्या होगा, ये CHO में, मतलब इक्विलिब्रियम में रहता है CHO के साथ। तो इसीलिए हेमी एसिटल टाइप ऑफ हमें क्या चाहिए, हमें अदरवाइज ये हेमी एसिटल टाइप ऑफ लिंकेज चाहिए या तो CHO चाहिए। अगर ये दोनों ग्रुप होगा तो वो रिड्यूसिंग शुगर की तरह बिहेव करेगा। तो जो ग्लूकोज है, ग्लूकोज में एक CHO ग्रुप है, ओके, फ्री CHO ग्रुप है, सो इट इज इट्स अ रिड्यूसिंग शुगर। फ्रुक्टोज अगर हम देखेंगे, फ्रुक्टोज में क्या होता है, वैसे तो मतलब दिखता तो नहीं है जो CHO है, लेकिन यहाँ पे ये एक्चुअली इक्विलिब्रियम में रहता है ग्लूकोज के साथ। यहाँ पे जो CH2OH होता है एंड जो C डबल बॉन्ड हो, यहाँ पे क्या हो जाता है, कीटोइनल टॉटोमेरिज्म हो जाता है। तो कीटोइनल टॉटोमेरिज्म के लिए यहाँ पे हो जाता है OH एंड यहाँ पे हो जाता है ऐसे CHOH, ओके। इसके बाद क्या हो जाता है, यहाँ पे एक बार फिर से टॉटोमेरिज्म हो जाता है एंड टॉटोमेरिज्म होने के बाद यहाँ पे हो जाता है CHO एंड यहाँ पे हो जाता है CHOH। तो ऐसे मतलब फ्री CHO जो है वो आ सकता है। सो दैट्स व्हाई फ्रुक्टोज इज एक्चुअली अ रिड्यूसिंग शुगर, ओके। लेकिन अगर हम सुक्रोज में देखेंगे, सुक्रोज में हमें ना तो कोई मतलब हेमी एसिटल टाइप ऑफ लिंकेज दिखेगा और ना हमें कोई फ्री CHO ग्रुप दिखेंगे, ओके। यहाँ पे नो फ्री CHO ग्रुप, ध्यान से देखेंगे तो नो फ्री CHO ग्रुप, नो हेमी एसिटल टाइप ऑफ लिंकेज। यहाँ पे कंप्लीटली क्या होता है, जो फ्रुक्टोज में ये जो ग्लूकोज मॉलिक्यूल, सुक्रोज में ग्लूकोज एंड फ्रुक्टोज मॉलिक्यूल अल्फा बीटा लिंकेज से जुड़े होते हैं, तो इसीलिए यहाँ पे कोई भी फ्री CHO ग्रुप नहीं है। सो इट इज एक्चुअली नॉन रिड्यूसिंग शुगर, ओके। इट इज एक्चुअली नॉन रिड्यूसिंग शुगर, यानी कि ये टोलेंस फ्री एजेंट को रिड्यूस नहीं कर सकता। अगर हम माल्टोज देखेंगे, माल्टोज में क्या होता है, ये जो पोजीशन है, यहाँ पे एक हेमी एसिटल टाइप ऑफ लिंकेज है, माल्टोज इज डाइसैकेराइड ऑफ टू ग्लूकोज मॉलिक्यूल, ओके। तो यहाँ पे ये जो ओ आर एंड यहाँ पे सी ओ एच, ओके, दिस इज अ हेमी एसिटल टाइप ऑफ लिंकेज, तो इसीलिए ये क्या है, ये एक रिड्यूसिंग शुगर की तरह काम करता है। वेयर एज सुक्रोज इज नॉट अ रिड्यूसिंग शुगर, ओके, सुक्रोज इज नॉट अ रिड्यूसिंग शुगर, माल्टोज रिड्यूसिंग शुगर की तरह काम करता है। और अगर हम लैक्टोज देखेंगे तो लैक्टोज में भी क्या है, लैक्टोज में भी यहाँ पे हम देख पा रहे हैं, यहाँ पे भी एक हेमी एसिटल टाइप ऑफ लिंकेज है, सो दैट्स व्हाई लैक्टोज विल ऑल्सो एक्ट एज एन रिड्यूसिंग शुगर। लैक्टोज में क्या होता है, गैलेक्टोज एंड ग्लूकोज का ये डाइसैकेराइड होता है, तो इसीलिए लैक्टोज भी क्या होगा, एज देयर इज अ हेमी एसिटल टाइप ऑफ लिंकेज, तो यहाँ पे भी ये भी रिड्यूसिंग शुगर की तरह काम करेगा। लेकिन बाकी यहाँ पे जो है, दैट इज सेलुलोज एंड स्टार्च, सेलुलोज एंड स्टार्च क्या होते हैं, ये पॉलीमर्स होते हैं, ओके, ये पॉलीमर होते हैं, जो अल्फा ग्लूकोज एंड सेलुलोज जो होते हैं ये बीटा ग्लूकोज के पॉलीमर होते हैं, एंड स्टार्च जो होते हैं ये अल्फा ग्लूकोज के पॉलीमर होते हैं। तो यहाँ पे अगर हम ऑप्शन मैच करेंगे, ग्लूकोज रिड्यूसिंग शुगर है, फ्रुक्टोज भी रिड्यूसिंग शुगर है, लेकिन सुक्रोज इट इज नॉट रिड्यूसिंग शुगर, तो ऑप्शन वन इज नॉट करेक्ट। ऑप्शन टू पे क्या है, माल्टोज रिड्यूसिंग शुगर है, लैक्टोज भी रिड्यूसिंग शुगर है, बट सुक्रोज इट इज नॉट रिड्यूसिंग शुगर, सो ऑप्शन टू इज नॉट करेक्ट। ऑप्शन थ्री पे क्या है, जो सुक्रोज है इट इज अगेन नॉट रिड्यूसिंग शुगर,
ऑप्शन थ्री इज नॉट करेक्ट एंड ऑप्शन फोर पे है माल्टोज, लैक्टोज एंड फ्रुक्टोज, ये तीनों ही रिड्यूसिंग शुगर है. ओके तो इसीलिए हमारा करेक्ट आंसर जो होगा दैट इज ऑप्शन फोर. ये जो सेट है ओके ये सेट हमने डिस्कस कर लिया, यही सेट है रिड्यूसिंग शुगर के. थैंक यू. क्लास 6 से 12 से लेके नीट IIT JEE मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा. आज ही डाउनलोड करें डाउट नेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400400400 पर.